अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी आफ्टर इफेक्ट ट्यूटोरियल्स की एक वीडियो के अंदर खुश आमदीद। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस टूल को डिस्कस करेंगे वो है ये पेंट ब्रश टूल। तो पेंट ब्रश टूल के ज़रिए आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये स्ट्रोक्स के बारे में समझाया था, और ये जो अब पेंट ब्रश टूल जो बेसिकली हमारा डील करता है वो इन स्ट्रोक स्टाइल्स के ऊपर डील करता है। जैसे कि अब अगर यहाँ पर मैं ये स्टाइल देखें, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ये डॉटेड लाइन का, तो यहाँ पर मैंने जैसे ड्रॉ की हुई ये देखें डॉटेड लाइन में हमने पेंट कर दिया है। अब अगर मैं ये स्टाइल सिलेक्ट करता हूँ और मैं ये पेंट करना चाहूँ तो ये देखें कि ये इसने वो स्टाइल पेंट। इसके अलावा अब काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं यहाँ पर, आप ये देखें ब्रश लाइब्रेरी मेन्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से जब मैं ब्रश को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से अगर मैं कोई भी ब्रश स्टाइल सेलेक्ट करूँ, जैसे कि मुझे ये एरो चाहिए, मैं इस एरो को सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें कि ये एरो को ड्रॉ करने लग गया है। दोबारा लाइब्रेरी में चाहो मैं यहाँ पर बॉर्डर्स के अंदर से कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर लूँ, मैंने फ़र्ज़ करें कि ये नहीं है, मुझे ये बॉर्डर चाहिए, तो मैं यहाँ पर जब इसको शीट दबा कर यहाँ से पेंट करूँगा तो देखें कि ये मेरे पास वो पेंट्स आ गए हैं। तो बेसिकली क्योंकि ये हमारे पास एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, तो हमारा ये पेंट ब्रश टूल है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, या हम लोग डिफरेंट स्टाइल्स के लिए। अब ये काम मैं यहाँ से भी ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँ तो देखें यहाँ पर, लेकिन ये क्या है, अब मैं इसको किसी भी शेप में नहीं डाल सकता। अब मुझे चाहिए कि ये वेव शेप के अंदर मेरे पास आए, तो मैं यहाँ से वेव क्रिएट करूँगा, देखें कि ये वेव शेप। अब मैं चाहता हूँ कि ये वेव शेप में ना, ये मुझे डिफरेंट शेप में आए, तो मैं यहाँ पर कोई डिफरेंट शेप सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखें कि मैं कितना सारा चीज़ें मैं इसके ज़रिए कर सकता हूँ, डिफरेंट शेप को यूज़ करके मैं डिफरेंट स्टाइल बना सकता हूँ। इसके बाद हम लोग पेंट ब्रश टूल में बेसिकली यही है, बस आप अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी कि ये कैसे काम करता है। तो इसके बाद हम लोग जो डील करने वाले हैं वो पेंसिल टूल। पेंसिल टूल और पेंट ब्रश टूल बेसिकली एक ही जैसे हैं। यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि मैं जो चीज़ सिलेक्ट करके जिस चीज़ के अंदर मैं डिज़ाइन करना चाहूँ, या जो मैं अपना जैसे कि हम एक पेंसिल के ऊपर वर्क करते हैं, ये भी स्ट्रोक्स के ऊपर काम करती है। ये भी स्ट्रोक्स के ऊपर काम करती है, देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ इन स्ट्रोक्स को यूज़ करके इस पेंसिल के लिए डिफरेंट चीज़ें बना सकता हूँ। इसके बाद इस पेंसिल के अंदर काफ़ी सारे टूल हैं, स्मूथ पेंसिल टूल, यहाँ से मैं इस पेंसिल की शेप लाइन को दोबारा चेंज कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मुझे यह पेंसिल ऐसे चाहिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इसके ज़रिए हम लोग अपनी पेंसिल की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम पेंसिल टूल के ज़रिए अपनी लाइंस हैं उनकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बस आप उनको स्मूथ कर सकते हैं, सीधा लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल नहीं है पेंसिल टूल के अंदर। इसके बाद हमारे पास अगला टूल है पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल क्या करता है, जो हम लोगों ने पेंसिल के ज़रिए शेप बनाई है, अगर हम उसे डिलीट करना चाहें तो हम फर्ज करें कि मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इरेज करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सिंपली यहां से इस पॉइंट तक ड्रॉ करूंगा तो ये वहां से डिलीट कर देगा। इसके बाद ये हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया, हम लोगों ने ब्रश टूल डिस्कस किया, हम लोगों ने पेंसिल टूल डिस्कस किया। इसके बाद ये क्योंकि छोटे छोटे टूल्स हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने ज़्यादा टूल मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर सकूँ, ये छोटे छोटे उतने मैं डिस्कस कर लूँ, ताकि हमारा ये कोर्स में जो बिगनर लेवल का कोर्स है हमारा जल्दी ख़त्म हो, आप प्रैक्टिस अच्छी करें, इसके बाद हम एक्सपर्ट लेवल पर आपको जो प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर वो सिखाना शुरू करूँ, और ज़्यादा वीडियोस के अंदर आपका भी बहुत ज़्यादा वक्त ना लगे, आप थोड़े से वक्त में सीख जाएँ। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इरेजर टूल। फ़र्ज़ करें कि ये मैंने इतनी बड़ी शेप बनाई है, शेप बनी, अब मैं शेप के अंदर शेप का एक पोर्शन इरेज करना चाहता हूँ,
तो मैं बेसिकली सिर्फ क्या करूँगा कि यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँगा तो ये शेप को मेरी को इलाज कर देगा, स्प्लिट कर देगा इसके अंदर। अब इसके अंदर ये लेज़र टूल में और भी मैं अगर अपनी शेप के अंदर कहीं कहीं डिज़ाइंस बनाना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने ये सर्कल्स वगैरह पिन होल्स बनाने के लिए, अगर मैं अपनी शेप में कोई ऐसा डिज़ाइन जिसमें ये पिन होल चाहिए तो मैं अपनी शेप के अंदर ये पिन होल्स वगैरह भी क्रिएट कर सकता हूँ इस टूल के ज़रिए। इसके बाद हमारे पास एक और टूल है सीज़र टूल। सीज़र टूल से भी हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कटिंग कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पॉइंट्स वाली कोई शेप मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ जिसके अंदर आई इसी। यहाँ पर मैं इस टूल के ज़रिए दो पॉइंट्स लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। अभी ये मैंने तो ये जो टूल है बेसिकली इसके ज़रिए हम लोग कटिंग्स वगैरह हम लोग किसी शेप की कर सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी शेप को कट कर सकते हैं। मैं आपको भी एक शेप बनाकर दिखाता हूँ। फर्ज करें मेरे पास ये शेप है, मैं इसको आधा काटना चाहता हूँ इस एंकर से लेकर इस एंकर तक। तो ये देखें कि मैंने इस शेप को आधा स्प्लिट कर दिया है। ये देखें, ये मैंने सीज़र टूल के ज़रिए इसको आधा स्प्लिट कर दिया। इसके बाद हमारे पास आता है नाइफ़ टूल। नाइफ़ टूल भी बिल्कुल उसी तरह है कि इसके ज़रिए मैं शेप्स को काट सकता हूँ, स्प्लिट कर सकता हूँ जिस तरह मैं शेप में चाहूँ। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि इसने शेप को हाफ़ किया है, इसने वो शेप पूरी की पूरी बिल्ड की है नाइफ़ टूल ने जो मैं चाहता था। अब मैं अगर और कोई शेप चाहूँ, मैं इस आर्क को काटना चाहूँ, तो यहाँ पर ये नाइफ़ टूल उस आर्क को काट गया। लेकिन ये क्या है, ये भी पॉइंट टू पॉइंट टूल्स वर्क करते हैं। जैसे कि अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये टूल वर्क करेगा। एंकर पॉइंट्स के ऊपर ये टूल वर्क करते हैं, मतलब ये देखें एक दो तीन चार, तीन कोने हैं इस शेप के, तो ये टूल उनके ऊपर वर्क करता है। इस टूल के ज़रिए हम लोग डिफरेंट एडिटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग के अलावा डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने दिखाई, मैंने अब नाइफ टूल और रेजर टूल, ये आर्म टूल अपना इसके बाद हम लोग जो टूल डिस्कस करेंगे ब्लॉक ब्रश टूल इंशाल्लाह, इसको भी मैं डिस्कस करूँगा। इसको भी मैं इंशाल्लाह किस अगली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करूँगा। लेकिन इसके बाद हम लोग टूल जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रोटेशन एंड रिफ्लेक्ट टूल। रोटेशन और रिफ्लेक्ट टूल क्या है कि फ़र्ज़ करें कि मैंने ये एक ट्रायंगल रेक्टेंगल बनाया है, अब मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ, तो ये इसका सेंटर एक्सिस है। अब मैं अगर इसको रोटेट करूँगा तो ये अपने सेंटर के गिर्द, यानी कि सेंटर के गिर्द अपने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये रोटेशन सेंटर के गिर्द ना हो, ये रोटेशन हो इस एंकर पॉइंट के गिर्द। अब ये देखें कि अब ये अपने उस पॉइंट के गिर्द घूमेगा जहाँ पर ये मैंने ये सेंटर जो है ये इसका रखा है। तो इस तरह हम इसके ज़रिए इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल बिल्कुल वैसे ही कि एक चीज़ को दूसरी रिफ्लेक्ट कर देने के लिए टूल। रिफ्लेक्ट टूल जो है वो बेसिकली ऐसे यूज़ नहीं होता, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिफ्लेक्ट के लिए। हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस में जाके रिफ्लेक्ट को यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखाता हूँ कि ये पहले ऐसे है, जब मैं इसको रिफ्लेक्ट करूँगा तो इसकी शेप ऐसे हो जाएगी। अब मैं इसको कॉपी करके आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ कि ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये इसने शेप को मिरर किया है। ये देखें, ये शेप को रिफ्लेक्ट किया है, ये हमारे रिफ्लेक्ट टूल ने इसको मिरर किया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो जो टूल डिस्कस किए मैं उसको दोबारा डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर। पहले तो हम लोगों ने
पेंट ब्रश टूल को डिस्कस किया, फिर मैंने आपको पेंसिल टूल को डिस्कस किया। ये वो टूल्स हैं जिनका इतना कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहुत छोटे छोटे टूल्स हैं। तो मैंने कहा कि वीडियो के अंदर जितने ये चार पांच टूल मैं जल्दी से डिस्कस कर दूँ। इन और भी कुछ ऐसे टूल्स हैं छोटे छोटे, इनको इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ के अंदर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और मंगाएंगे। और ये जो पेंट ब्रश टूल्स हैं, और यहाँ पे मैं कुछ टूल्स छोड़ रहा हूँ, जैसे आप देखा है कि आपने यहाँ पे मैंने ब्लॉब ब्रश टूल छोड़ दिया है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे पेन टूल छोड़ दिया है, इसके बाद ये मैंने ऊपर लेसो टूल और मैजिक वॉन्ड टूल छोड़ दिए हैं। इंशाल्लाह इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बेसिक्स को समझ लें। तो ये इन टूल्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।